करते हैं ग्वालियर की, जहां पे ग्वालियर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा ने राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में अपनी निर्देशित अवार्ड विनिंग फिल्म दादा लक्ष्मी की स्क्रीनिंग आयोजित की और छात्र छात्राओं को फिल्म के जरिए समाज को दिए गए संदेश से रूबरू कराया। तो वहीं न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्टर यशपाल शर्मा ने खास बातचीत की है। तो ग्वालियर यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा और फिल्म दादा लक्ष्मी की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया और इस फिल्म में जो संदेश है वो युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आपने फिल्म लगान, अपहरण और गंगाजल देखी होगी, उसके मशहूर कलाकार फिल्म एक्टर यशपाल शर्मा ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। यशपाल जी, आप ग्वालियर पहुंचे हुए हैं, जो फिल्म है द पंडित लक्ष्मी दद्दा, क्या इसका मोटिव है, क्या मैसेज ये समाज को दे रही है फिल्म? देखिए, ये एक ऐसे आर्टिस्ट की कहानी है, फोक आर्टिस्ट की, जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसकी धुन थी, उसका जुनून था, पैशन था, आग थी उसके अंदर कि उसे करना है और संगीत में ही करना है और इस फील्ड में ही काम करना है, और उसने किया। ये जो धुन है ये आजकल के बच्चों में बहुत कम लोगों में है, जो कि चाहिए। आजकल हम मोबाइल ने बहुत भटका दिया है और बहुत सारे सोशल मीडिया ने भटका दिया, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने, रील ने, इन्होंने इतना भटका दिया है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ काम करने से बहुत पीछे हट गए हैं। तो आज की यंग जनरेशन को ये सबसे बड़ी सीख इस फिल्म के अंदर है कि आपको जिसमें लगन है उसमें आप जुट जाओ, दिन रात एक कर दो, आप जरूर सफल होंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यशपाल शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि आप कोई भी फील्ड में हो, अपनी फील्ड में पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ काम आपके समाज को पॉजिटिविटी की एक वो दर्पण देता है, वो आईना देता है, वो कहीं ना कहीं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ करण मिश्रा, न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ ग्वालियर।